कहते हैं गरीबी किसी भी हद तक इंसान को बेबस और लाचार बना देती है। व्यवस्था समाज पर सवाल खड़े कर देने वाला ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां प्राइवेट डॉक्टरों ने गरीब से इलाज के लिए इतने पैसे मांगे कि मरीज के पिता को अपनी बनाई संपत्ति को बेचना पड़ गया। एक पिता को अपने बेटे के पैर का इलाज कराने के लिए अपना मकान तक बेचना पड़ गया। फिर भी बिलासपुर के महादेव अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के पैर को ठीक नहीं कर पाए और पैर काटने की बात कहने लगे। पीड़ित पिता पैसे खत्म होने पर जब बेटे को लेकर रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने जांच कर इलाज शुरू कर दिया और कहा कि प्लास्टिक सर्जरी से बच्चे का पैर सुरक्षित करेंगे। मुंगेली निवासी कुलपत नट ने बताया कि उनके 4 साल के बेटे विपुल को 4 महीने पहले एक कार ने ठोकर मार दी, जिसे इलाज के लिए तत्काल बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल महादेव में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्चे की हालत और गंभीर कर दी और पैर काटने की बात की। ऑपरेशन में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो गए, इस वजह से मुझे अपना मकान बेचना पड़ गया, फिर भी मेरे बेटे का इलाज नहीं हो पाया। वहाँ सर मैं ना मोर 8 तारीख की घटना हुई से मोर लड़का के 11 बजे से मैं उठा के बोला सीधा बिलासपुर ले गया। बिलासपुर ले जाए के बाद मैं वहाँ एडमिट करे तो डॉक्टर मन कही ठीक है इसका पैर को काटना पड़ेगा, इसे करके बोली तो मैं कहूँ सर पैर वैर मत काटो सर, जतका सब ऐसे लगी जतका भी लगी समय लगी हम रहे बर तैयार हैं सर, हमारे बच्चे के पैर बचा लो, इसे करके बोले ना तो सर बोली से ठीक है आपको कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन रहना पड़ेगा। तो हम वन बोले ठीक है सर हम 1 हफ्ता 15 दिन रहो और पैसा के लंबाई व्यवस्था करी पड़ी। तो हम कहें ठीक है सर पैसा भी व्यवस्था करा था इसे करके कहें और बाद एक हफ्ता के बाद इलाज उलाज हुई ऑपरेशन ऑपरेशन सब हुई मैं घर में जाके फिर अपन घर ले जाके बेचें बेच बुझा के 3.5 लाख रुपया वहाँ से इकट्ठा करके अपन घर लाए यहाँ हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में लाए के बाद मैं पूरा कंप्लीट करे के बाद में लास्ट पूरा पैसे खत्म हो गए उखर, लेकिन घाव उखर बने नहीं हो पाई चीर फाड़ कर रही थी घाव हाँ लंबे च रह गए। मैं वहाँ पैसे तो खत्म कर चुके हैं अब मुझे कोई रास्ता नहीं रही सर, मैं सीधा उठा के ले आया हूँ यहाँ मेकाहारा ला के यहाँ ट्रीटमेंट करवा था तो मोला तभी थोड़ा बढ़िया लगा सर, ऑपरेशन ऑपरेशन भी बढ़िया हो गए और अभी जो भी स्थिति है तेन सब तो ठीक है लेकिन वही हड़बड़ासी होते सर उखर अतका कम बड़े घाव हैं और मैं अतका कन मांस कहाँ ले आई बस यही है चिंता सतावा सर और मोर जगह रहे के कोई व्यवस्था नहीं है सर, मोर पर कुछ कुछ तो व्यवस्था कर दो सर और बढ़िया इलाज करा दो सर यहाँ बस अतके बोलना चाहते। बहरहाल रायपुर में ही चौकीदारी कर अपने परिवार और बेटे का इलाज करवा रहे इस पिता के पास अब अपने बेटे के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। इलाज में पूरा पैसा खत्म हो चुका है और वर्तमान में जहां चौकीदारी कर रहा है वहीं रह भी रहा है। जो कभी खेल तमाशा कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था वो आज लोगों से मदद की आस लगाए हुए है जिससे बेटे का बेहतर इलाज हो सके, जिसका अम्बेडकर अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्लोबजॉर्डन से चर्चा करते हुए अम्बेडकर अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर SN फुलझिरे ने कहा कि बच्चे का इलाज करने के लिए हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है, प्लास्टिक सर्जरी से बच्चे का पैर ठीक हो सकता है, इसके लिए पूरी टीम इलाज करने में जुटी हुई है। For more information, log on to www.glibs.in.